अभी घुस गए हम लोग जंतर मंतर में। इधर का भी टिकट 50 रुपये, दो लोग का 100 रुपये पड़ा मेरे को, और हवा महल का भी टिकट वही था। हर जगह वही नाटक, ट्राइपॉड देख के ऐसे भाग जाते हैं, पता नहीं क्या लिया है। वीडियो तो रिकॉर्ड मोबाइल से कर रहा हूँ ना, फिर भी एलर्जी है। ट्राइपॉड अलाउड नहीं है, जैसे तैसे जहाँ पे हो पा रहा है वहाँ पे कर पा रहा हूँ ट्राइपॉड से रिकॉर्ड, नहीं तो फिर मोबाइल से करना पड़ रहा है। जो ऊपर जो चढ़ने का है वो तो प्रवेश वर्जित करके रखा है, नो एंट्री। दूर सामने जो किधर गया, ये जो टावर दिख रहा है ये सिटी पैलेस का है। ये मेरे पीछे जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं ये 12 राशियों के 12 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उससे कुछ कैलकुलेशन करते होंगे ये लोग भी, जैसे कि ये वाला वृश्चिक का है, वो वाला धनु राशि का है, सजिटेरियस का, ये स्कॉर्पियो का है, उधर जेमिनाई है, ये कैप्रिकॉन है। ये सेलेस्टियल स्फीयर जैसा बना के रखा है। और एक पार्ट ये है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये पुराने जमाने का कंपास था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्थ पोल स्टार को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ये इन्फॉर्मेशन में सामने लिखा हुआ है ध्रुव दर्शक पत्तिका, पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो सर्कल है ये हाफ सेलेस्टियल स्फीयर रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका जो रिम है वो होराइजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको यूज़ किया जाता था हेवनली बॉडीज़ की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। सर इधर भी लिखा हुआ है कपाली यंत्र, इधर भी चक्र यंत्र है। अभी जंतर मंतर तो घूम के हो गया हमारा, अभी इधर छाँव बैठ के आराम कर रहे हैं। इधर पीछे जो मेरा दिख रहा है इधर करेंसी एक्सचेंज भी होता है और सोविनियर शॉप भी है। ये इधर सामने से एग्जिट करेंगे, अभी एग्जिट करके फिर बाहर निकले कुछ खाएंगे, अभी तो आराम करते हैं। भूख लगी नहीं एक्चुअली, पानी पी पी के पेट भर गया मेरा। अभी ई रिक्शा में बैठे हम लोग, पा पो चालू हो गया बुरी तरह। जंतर मंतर से निकले हैं, हांडी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। उदयपुर में भी ये वाला एक्सपीरियंस लिया था, मज़ा आया था। तो थोड़ा बड़ा टेम्पो था, ये छोटा वाला ई रिक्शा है, ऐसा वाला मैंने कभी बैठा नहीं कहीं और पे। श्रेया भी आई थी कहीं बैठी नहीं ना, तो यही बैठी नहीं, हम दोनों का पहला एक्सपीरियंस है। एक्चुअली हमने सोचा था जंतर मंतर पे गाइड लेने का, तो भाई साहब समझाते अच्छे से, और धूप इतनी हो रही कि खड़े हुआ नहीं जा रहा था, इसलिए हमने फटाफट बस 5 मिनट में देख देख के आ गए। क्योंकि एक्चुअली अगर समझने जाते तो आधा एक घंटा खड़े रहना पड़ता धूप में, फिर उनको बार बार मना करो कि नहीं निकलते निकलते अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने गाइड लिया नहीं। दोबारा जब आएंगे तो प्रॉपर विंटर सीजन में आएंगे। कितना दिखा रहा ना, कितना की मिनट दिखा रहा बैठे, कुछ खाएंगे लंच करेंगे फिर निकलेंगे होटल की तरफ। पहुंच गए अभी हम लोग हार्डी रेस्टोरेंट,
कल इधर इसी रोड से पास किए थे, ये वन वे है तो टेम्पोर ने हमको वहाँ पे वही रिक्शा वाले वहाँ पीछे छोड़ा। ये इतना सा 100 मीटर वॉक करके चलते हैं, 100 फीट जो भी रहेगा। घुसना किधर से देखते हैं पहले। अभी हांडी रेस्टोरेंट में बैठ गए हम लोग। अभी जंगली मांस हाफ ड्राई ऑर्डर किया है और पानी मंगाया ठंडा। इतनी गर्मी में पानी किसी अमृत से कम नहीं लग रहा है। वही पी रहे हैं अभी, खाते हैं धीरे धीरे भूखते। अभी हांडी में खा के तो हो गया हमारा, निकल लिए हम लोग। खाना तो क्या, खाली स्टार्टर ही खाया। सामने से हाथी आ रहा है। नहीं नहीं भाई धन्यवाद, बोल रहे हाथी को बैठाए क्या? मेरा नहीं भाई, नहीं बैठना है अभी तो। इतने सारे लस्सी वाला, कौन सा लस्सी वाला लस्सी पी रहेगा भाई? जंगली मांस खाया, मटन बेसिकली ड्राई, वो तीन खाए श्रेया ने अंदर से अंदर। तीन हाफ मतलब हाफ हाफ प्लेट के तीन प्लेट खाए मतलब। और मैंने जंगली चिकन, इसलिए जितनी मुझे गर्मी की एक्सपेक्टेशन थी उतनी गर्मी हो नहीं रही अभी, अच्छी बात है। मुझे लगा था दोपहर को झेली नहीं जाएगी, शायद हम थोड़ा अभी एसी से निकल रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया है, क्लियर होता तो रोड क्रॉस करते। अभी लस्सी ग्लास लिया मैंने, ये पीता हूँ। एक्चुअली खाना तो फुल खा के पेट भर गया है, श्रेया के पेट में जगह नहीं है, हम अकेले ही पी रहा हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार है लस्सी से। गजब लग रही भाई। छाछ भी नहीं, छाछ पीना होता तो श्रेया के लिए छाछ में गई, मेरा तो लस्सी से हो जाएगा। अभी लस्सी पी के तो हो गया है, एक लस्सी पी मैंने, श्रेया ने एक छाछ पी, 140 रुपये कुछ हुआ है। अभी कैब बुक करनी है, कैब बुक करके निकलते हैं। अभी कैब में बैठ गए हम लोग, अभी वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। 4 बजे तक का कुछ है, 4:15 हो रहा है अभी। रूम में जा रहे हैं, होटल आ गए अभी, 4 बज गए शाम के। सामने जल महल है, उधर भी जाने का टाइम नहीं मिला। अभी देखते हैं, शाम को एनर्जी रही तो जाएंगे, नहीं तो फिर रूम में ही आराम करेंगे। अभी कल सुबह निकलना है यहाँ जयपुर से हमको अपनी अगली मंजिल की तरफ, तो एक बार ज़रा गाड़ी में हवा हवा चेक करने के लिए आया हूँ अभी। ज़रा हवा हवा चेक कर लेते हैं फिर चलेंगे वापस अंदर। एकदम ऐसी मस्त घुसा के एकदम क्लोज लगाई आए हो, गाड़ी टच ना करी हो। देखो किधर तक। अभी खाना मंगा लिया हमने, थक गए थे आज बाहर जाके धूप में हवा महल पे, फिर वो हांडी पे तो खाया था बाहर, उसके बाद से अभी फिर मंगाए तो यही खाना मंगाया। अभी डिनर कर रहे हैं, रूम भी मंगाए, बाहर जाने की हिम्मत थी नहीं मेरी। तो एक नूडल्स मंगाया है और एक ये रोटी से लपेट के वेज बिरयानी मंगाई है। खोला रोटी, खोलना जरा। अरे दम बिरयानी, अरे दम बिरयानी दम लगा ना जरा, उसमें दम लगा के जरा रोटी निकाल जरा। इतना डेलिकेटली ऑपरेशन कर रही जैसे एकदम से। ये अचार है, ये बिरयानी, ये नूडल्स और ये रायता, सैलेड, पापड़। समझते हैं अभी, समझ के फिर आराम करते हैं और सुबह मिलो।